नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लिख रहा हूँ 12th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 10.2 पार्ट सेकंड कराने आ रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। बिंदु ए के पॉइंट दे रखे हैं और बी के पॉइंट दे रखे हैं, कुंभ मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दृष्ट सदिश की दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करनी है आपको। तो डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करनी है ए से लेके बी तक की, यानी वेक्टर ए बी की दिक कोसाइन निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आपको इसे इसके पॉइंट दे रखे ना 1, 2, -3, इसमें ये लेट कर लेना, लेट ओ ए, वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, आई जे और के का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। पहले वाले के साथ आई एक का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो आई रहेगा, दूसरे प्लस लगाते जाओगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 2j, यहाँ पे 2 है ना, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई, के का, तो माइनस के 3k, क्योंकि माइनस का साइन था, इसके पास प्लस का साइन था। और इसी तरीके से ओ बी निकालोगे, वेक्टर ओ बी निकालोगे तो माइनस आई का मल्टीप्लाई करोगे तो आई, इसके साथ करोगे तो माइनस के 2j और इसके साथ करोगे तो प्लस का 1k, प्लस की वैल्यू है, कैप आप खुद लगा लेना इनके ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते हैं कैप लगाने में, आप खुद लगा लिया करना। और सबसे पहले आपको वेक्टर ए बी निकालना है ना, तो वेक्टर ए बी क्या होता है डायरेक्ट, ये देखिए सेकंड में से फर्स्ट को डालते हैं, ओ बी वेक्टर में से क्या घटा दोगे, ओ ए वेक्टर घटा दोगे, सीधा सीधा है। वेक्टर ए बी निकालना है तो क्योंकि आपको ए से लेके बी तक चलना है ना, इस डायरेक्शन में क्वेश्चन में कहा गया था, तो यानी ए बी वेक्टर निकालना है तो वेक्टर बी में से वेक्टर ओ घटा दोगे। तो वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, माइनस आई माइनस 2j और प्लस के कैप, सभी पे कैप है, कैप आप खुद लगा लेना। माइनस किसे करोगे, ओ ए को माइनस करोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का तब माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो वेक्टर ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस आई और माइनस आई, माइनस के 2i हो गया, माइनस 2j माइनस के 2j माइनस के 4j हो गया, प्लस के और प्लस 3k प्लस के 4k हो गया, कैप लगा लेना, ठीक है। अब दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड जिसे हम मोड ऑफ बी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं, निकालो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाओगे। दिक कोसाइन निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है, यानी मोड ऑफ, ठीक है, एक तरीके से अंडर रूट, आई का जो मल्टीपल है उसका होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जे का जो मल्टीपल है ना उसका होल स्क्वायर, प्लस के का जो मल्टीपल है ना उसका होल स्क्वायर। तो ये देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16 32, 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36, और 36 का रूट कितना निकलता है 6 निकल के आता है, क्लियर है। तब डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोसाइन निकालना आपको, दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं, दिक कोसाइन सबसे पहले जो किसका निकालना है, दिक कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी का निकालना है, क्वेश्चन ने कहा था ए से लेके बी तक डायरेक्शन जा रहा है उसका ही दिक कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली, तो सबसे पहले माइनस के 2, आई का मल्टीपल कौन है, माइनस के 2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड को मैं मोड ऑफ बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, अपॉन 6, जे का मल्टीपल कौन था, माइनस के 4 अपॉन, इसका मोड ऑफ कितना निकला था 6, इस 6 को ऐसे भी के अपॉन में रख दो, बस आई जे और के नहीं लिखना, 4/6। तो इसे सॉल्व कर लोगे, 2 से कितने बार कटेगा, 1 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से 2 बार 3 बार, 2 से 2 बार और ये 3 बार, ये आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, दर्शाइए कि यानी शो करना है सदिश यानी वेक्टर दे रखा है I प्लस J प्लस K अक्षों OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, यानी बराबर झुका हुआ का मतलब यही है दिक कोसाइन निकालना। दिक कोसाइन से जो निकालेंगे ना सभी की वैल्यू बराबर आएगी, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, दिक कोसाइन निकाला था क्वेश्चन नंबर 13 में, ये वाली वैल्यू अलग थी, ये वाली वैल्यू अलग थी, ये वाली वैल्यू अलग थी, ये कॉस अल्फा की वैल्यू होती है, ये कॉस बीटा की वैल्यू होती है, ये कॉस गामा की वैल्यू होती है, क्योंकि आई से ली गई थी ये वैल्यू, ये जे से ली गई थी और ये के से ली गई थी। इस वाले क्वेश्चन नंबर 14 में ये देखिए सबसे पहले लेट कर लो, लेट वेक्टर ए आपको गिवन है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, क्लियर है, ये दे रखा है आपको कि सदिश दे रखा वेक्टर आई जे और के,
OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ, यानी बराबर झुका हुआ होने का मतलब यह है दिक कोसाइन की वैल्यू जो आएगी ना, ये तीन वैल्यू निकालते हुए हमने जो निकाली थी यहाँ पे, ये तीनों वैल्यू बराबर आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मोड ऑफ निकाल लो, यानी इस तरीके से निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं, आई का मल्टीपल कौन है 1, 1 का स्क्वायर, जे का मल्टीपल कौन है 1, 1 का स्क्वायर, के का मल्टीपल कौन है 1, 1 का स्क्वायर, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, मोड ऑफ मान के चल रहे हैं हम तो इसे, ठीक है, कहने में आसानी होती है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, मोड ऑफ रूट 3 आ गया। ठीक है, दिक कोसाइन कैसे निकालोगे, दिक कोसाइन को इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये देखिए पहली वैल्यू होती है कॉस अल्फा की होती है, कॉस अल्फा बराबर के आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आई की वैल्यू 1, यानी आई की वैल्यू यानी कोफिशिएंट कौन है 1 अपॉन इसका मोड ऑफ ए निकाल दोगे वेक्टर ए रूट 3। इसी तरीके कॉस बीटा की निकालोगे, कॉस बीटा की कितनी आएगी, जे कॉस बीटा जे से निकलेगा और कॉस गामा के से निकलेगा, के मल्टीपल से, इसका मल्टीपल कौन है 1 यानी कोफिशिएंट अपॉन इसके मोड ऑफ में वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है रूट 3। ठीक है, कॉस गामा लिख दोगे, गामा इक्वल टू के का मल्टीपल कौन है 1 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है रूट 3। यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे हैं, इक्वल है ना, यानी ये देखिए होता क्या है, लिख देना यहाँ कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा कितना 1 अपॉन रूट 3 है, 1 अपॉन रूट 3 का एंगल बना रहे हैं। ये देखिए जैसे मान के चलो एक ये क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ओ एक्स, ये होती है आपकी ओ वाई। ठीक है, ओ वाई, अब ओ जेड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ओ जेड इधर तिरछी नहीं जाएगी, खड़ी जाएगी, जैसे मान के चलो ये आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है, ये बुक नोटबुक दिखाई दे रही है, एक इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है इधर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, जो ऊपर जाती है ऊपर वो जेड एक्सिस होती है, ऊपर को यूं करके तो दिखाओगे, यूं करके जेड, अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यूं करके तो उठा के रिप्रेजेंट नहीं कर दोगे, थोड़ा सा यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये तिरछी मत समझ लेना, इधर इनके बीच में नहीं आ रही है, ऊपर खड़ी होके जा रही है। ठीक है, इस तरीके से इंक्लाइंड है ओ जेड, इनके बीच में कितना आ रहा है, कॉस अल्फा की वैल्यू लोगे, अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3, यहां से कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, कॉस बीटा की कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3, कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3 और तीनों एक साथ मतलब बराबर ही निकल रहे हैं, थीटा कैसे निकल रहा है, बराबर ही निकल रहा है 1 बाई रूट 3, यही प्रूफ करना था। तो ये देखिए क्वेश्चन में भी उसने पूछा है ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है, तो ये लिख देना, जब ये वैल्यू बराबर निकल रही है ना, आता क्या पूछ रहा था आपसे कि अक्षों ओ जेड एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ सदिश है, दिया हुआ सदिश गिवन सदिश जो है, गिवन वेक्टर दिया हुआ सदिश ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड बराबर के साथ बराबर झुका है, के साथ बराबर झुका है, इतना लिख देना, क्योंकि यहां से भी कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालोगे अल्फा की वैल्यू वही आएगी इन सभी की आएगी, तो इसका मतलब बराबर ही एंगल बनाने 1 बाई रूट 3 का, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये शो करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 15 पे फोकस करो, बिंदु P दे रखा है और Q दे रखा है, को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंत इंटरनल और वाई यानी एक्सटर्नल विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले दो पॉइंट देते हैं इसने, एक तो अंत है मानी अंदर इंटरनल और सेकंड दे दिया बाहा यानी एक्सटर्नल। आपने एक चीज देखी होगी टेंथ क्लास में एक फॉर्मूला था आपका, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये देखें अंत यानी इंटरनली के लिए देख लेते हैं, पहला पॉइंट इंटरनली,
आपका फॉर्मूला था एम इंटू बी वैक्टर प्लस एन इंटू ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। टेंथ क्लास में आपने देखा होगा यहाँ पे बी और ए की कुछ और पॉइंट दे रखे होते हैं, यहाँ हम वैक्टर की बात कर रहे हैं। एम के साथ ये देखिए बी वैक्टर लेना है यानी सेकेंड वैक्टर यानी क्यू, यहाँ पे क्यू ले लेना। ये पी क्या इसका काम करेगा ए वैक्टर का, और क्यू किसका काम करेगा इस फॉर्मूले में बी वैक्टर का। क्लियर है, ये चीज समझाने के लिए लिख दी है मैंने। एम प्लस एन क्या रेशियो है, रेशियो कितना है 2:1। ठीक है, यहाँ पहले हम इंटरनली को ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एम रेशियो एन गिवन कितना है 2:1, यानी एम की जगह 2 और एन की जगह कितना 1। और वेक्टर बी की जगह क्या ले लोगे, वेक्टर बी की जगह ये ले लोगे वेक्टर ओ पी, क्या हो जाएगा इसका आई प्लस 2j माइनस के, कैप लगा देना, वो वेक्टर पी लिख लो। और वेक्टर क्यू कितना दे रखा है, और वेक्टर ए का काम क्या करेगा, वेक्टर क्यू कितना दे रखा है माइनस आई प्लस जे प्लस के, कैप आप खुद लगा लेना। ठीक है, इतना दे रखा है। देन इंटरनली तो देन इंटरनली का क्या होगा, इंटरनली यानी अंत यानी अंदर जो है, जैसे मान के चलो ये एक लाइन है आपकी, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, 2:1 में विभाजित करना है, आर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसका नाम 2 है और इसका नाम कितना है 1 है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट जब हम कर देते टेंथ क्लास चैप्टर में तो कोऑर्डिनेट कैसे निकाल देते, इसी फॉर्मूले से निकाल देते। ठीक है, तो B का पॉइंट कहाँ से लेते थे, इसका ये वाला लास्ट वाला और A का पॉइंट स्टार्टिंग का। तो कर दो M, M की वैल्यू कितनी है 2, इंटरनली वेक्टर R, R की पॉइंट निकाल लेना, वो R लिख दे रहा हूँ इक्वल टू। तो सबसे पहले M, M की वैल्यू कितनी है 2, वेक्टर B की वैल्यू सेकेंड वाला पॉइंट होता है, सेकेंड वाला पॉइंट ये रहा माइनस आई प्लस जे और प्लस के, फिर प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 1 है, और उसके बाद वेक्टर ए की वैल्यू ये गिवन है आई प्लस 2j माइनस के, कैप लगा लेना अपॉन एम प्लस एन। यदि अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक इतनी रेशियो में तो प्लस होता है, बाहर कर देते हैं यानी बाहर पे क्या हो जाएगा, माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा बस इतने से। ठीक है, अपॉन एम प्लस एन यानी 2+1, अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, माइनस 2i हो जाएगा प्लस 2j प्लस 2k, एक का मल्टीप्लाई करूँगा तो i प्लस 2j माइनस k अपॉन में कितना हो गया 3, माइनस 2i और 1i प्लस k कितना हो जाएगा, माइनस का 1i हो जाएगा 2j प्लस 2j प्लस 4j हो जाएंगे, और 2k माइनस के प्लस के बचेंगे, कैप आप खुद लगा लेना अपॉन में 3 है। ठीक है, कितना कर दोगे, अब आपको क्या करना है, इस वाले 3 को इसके भी अपॉन में रखना है, इसके भी अपॉन में रखना है, इसके भी अपॉन में रखना है। तो पोजीशन वेक्टर r पोजीशन क्या जाएगी, माइनस 1 अपॉन 3i कैप, इसके अपॉन में रखोगे तो प्लस 4 अपॉन 3j कैप, इसके अपॉन में रखोगे तो प्लस 1 अपॉन 3k कैप। ठीक है, ये किसकी आई है, इंटरनली की आई है, आर की पोजीशन, पोजीशन ऑफ आर। अब एक्सटर्नली की बात कर ले रहे हैं, सेकंड पॉइंट यानी बाह की बात कर ले रहे हैं, बाह बिंदु की। ठीक है, एक्सटर्नली पॉइंट ऑफ वेक्टर आर यानी R की बाहर की बात कर ले रहे हैं, ओ आर के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है आपके लिए, तो R के लिए फॉर्मूला है वो ये M B वेक्टर बस माइनस आ जाएगा N A वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो M की वैल्यू 2 थी, B वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, ये पूरी वाली वैल्यू माइनस I प्लस J प्लस K। क्लियर है, बस माइनस आ जाएगा इस वाले में, सेम टू सेम दिखते शब्द, बस इसकी वैल्यू 1 थी, माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2j
माइनस के अपॉन दो में से एक घटा दो, टू माइनस के वन। इसे सॉल्व करोगे तो वेक्टर आर ओ क्या हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू आई प्लस टू जे प्लस टू के, माइनस वन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई माइनस टू जे माना माइनस प्लस के, अपॉन में कितना बचा वन, वन को दिखाते नहीं है ठीक है। तो टू आई में से एक आई घटाओगे तो कितना बचेगा, टू आई में से एक माइनस का एक और आई है, माइनस के थ्री आई हो जाएंगे, टू जे माइनस के टू जे कैंसिल हो जाएगा ठीक है, आई ले ली टू के और एक के थ्री के हो गया। तो एक्सटर्नली पॉइंट ऑफ वेक्टर आर ठीक है, तो हमें ये निकल के आ जाएगा, एक्सटर्नली पे ये आ रहा है और इंटरनली पे कितना आ रहा है वेक्टर आर, इतना आ रहा है, क्लियर है, ये आपके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 16, दो बिंदु P, 2, 3, 4 और Q, 4, 1 माइनस 2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यदि जैसे मान के चलो एक थोड़ी सी लाइन की ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको, ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट निकालना है बीच का पॉइंट, जैसे इसका नाम है 5 और इसका नाम है कुछ भी मान लो, इसका नाम 4 है और इसका नाम 5 है। मैंने आपको एक उंगली दिखाई, एक 4 दिखाई और एक 6 दिखाई, 4 और 6 के मिड पॉइंट क्या होगा बता सकते हो, मैं पूछूंगा 4 और 6 के बीच में कौन आता है, तो आप कहोगे 4 और 6 के बीच में 5 आता है, या ये 5 उंगली दिखाई 1 2 3 4 5 बीच में कौन सी ये तीसरी है मिड पॉइंट, कैसे जोड़ोगे 1 इसका नाम 2 इसका नाम 3 इसका नाम 4 इसका नाम 5 है, इन सभी को जोड़ लोगे 5 से डिवाइड कर दोगे 5 लोग। मिड पॉइंट निकालना है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट निकालना है, इन दोनों के बीच में तो ये देखिए कैसे 4 और 1 इसके आगे कौन आता है 5 और इससे पहले कौन आता है 5 आता है, आप इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, 4 प्लस 6 बट्टे 2, 6 4 कितने हो गए 10, 10 में 2 का डिवाइड करोगे तो 5। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए बस आपका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ दो और उनका आधा कर दो, क्लियर है मिड पॉइंट के लिए। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना पी की, तो लेट कर लेना, लेट वेक्टर ओपी कितना हो जाएगा, ओपी ले लेना 2i, ये 2 3 4 दे रखा ना, 2i 3 प्लस 3j प्लस 3j हो जाएगा और प्लस 4k हो जाएगा, कैप लगा लेना आप ठीक है। और इस वाले वेक्टर q को जो q दे रखा है, इसे वेक्टर 4 एक माइनस 2 दे रखा है ना, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा वेक्टर ओ क्यू, ये देखिए इसके पॉइंट कितने दे रखे थे, ओ क्यू के दे रखे थे आपके 4 1 माइनस 2, 4i 4 1 प्लस का एक था प्लस के जे हो जाएगा और क्या था आपका माइनस के दो के, तीसरे पॉइंट पे के लेना है, फर्स्ट पॉइंट पे आई सेकेंड पॉइंट पे जे और तीसरे पॉइंट पे के, जो प्लस जो साइन नहीं दिखाई दे रहा है वहां पे तो प्लस लेना ही लेना है, और जो साइन दिखाई दे रहा है माइनस का वहां पे माइनस लेना है ठीक है। मिड पॉइंट निकालना है, इनका मिड पॉइंट निकाल दोगे, इनका मिड पॉइंट देन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बहुत ईजी होता है, इन दोनों को जोड़ दो अपन 2 2i प्लस के 3j प्लस 4k प्लस 4i, जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, प्लस j माइनस के 2k अपॉन के 2 इक्वल टू 2i 4i कितने हो गए 6i 3j और 1j कितने हो गए 4j हो गए 4k और माइनस 2k प्लस 2k बचे ठीक है, और अपॉन में कौन है 2 को सभी के अपॉन में डाल दो, इसके भी अपॉन में इसके भी अपॉन में और इसके भी अपॉन में, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 3i प्लस 2 से काटोगे तो 2j काटोगे तो प्लस का 1k, आपका राइट आंसर होगा, कैप लगा देना आप ठीक है, यहाँ तक आपका राइट आंसर होगा ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 ने शो करना है सो दैट, यानी दर्शाई की बिंदु ए कॉमा बी और सी जिनकी स्थिति सदिश ए की, तो दे रखा है वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा है और बी का वेक्टर बी से दे दिया और सी का वेक्टर सी से दे दिया, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के शीर्षों का निर्माण करते हैं, ये आपको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के शीर्षों यानी वर्टिसेस का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस का इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, सबसे पहले आपको ए बी चाहिए, फिर बी सी चाहिए और सी ए चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर बी है, ए की वैल्यू वेक्टर ए है। क्लियर है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कर दोगे, वेक्टर ए बी निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। तो वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है वेक्टर बी, ए की वैल्यू दे रखी है वेक्टर ए, तो माइनस कर दो, टू आई माइनस जे प्लस के। माइनस करूँगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इसके, माइनस के थ्री आई प्लस के फोर जे और प्लस के फोर के। कैप आप खुद लगा लेना इनके ऊपर, ठीक है। तो करो, टू आई में से थ्री आई माइनस करोगे तो माइनस का एक आई, माइनस का जे और प्लस का फोर जे, प्लस का थ्री जे, प्लस का के और प्लस का फोर के, प्लस का फाइव के। क्लियर है, वेक्टर ए बी की वैल्यू आ गई। इनका मोड ऑफ निकाल लो, वेक्टर ए बी का मोड ऑफ कैसे निकालोगे, मोड ऑफ का मतलब जानते हो, अंडर रूट माइनस वन, इसका कोफिशिएंट कौन है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस पाँच का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, तीन का स्क्वायर नौ, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, नौ एक दस और पच्चीस कितने हो गए, पैंतीस, रूट पैंतीस आ गए। क्लियर है, रूट पैंतीस। रूट उठाओगे तो क्या लगा दोगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे, तो वेक्टर ए वी का मोड ऑफ का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, पैंतीस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना, अगेन ए बी चाहिए, ए बी का स्क्वायर, ये देखिए आपको चाहिए क्या, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, मतलब किन्हीं दो साइड का सम यानी योगफल किसी तीसरे के इक्वल के स्क्वायर के इक्वल हो तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होता है। क्लियर है, अगेन अब बी सी निकाल ले रहे हैं, वेक्टर बी सी कैसे निकालोगे, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है, आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के, माइनस बी को करोगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के टू आई हो जाएगा, प्लस के जे हो जाएगा और माइनस के हो जाएगा। माइनस कर रहे हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का हो गया। सॉल्व करोगे इसे, आई माइनस टू आई माइनस का आई बचा, थ्री जे और प्लस एक जे माइनस का टू जे बचा, माइनस फाइव के और माइनस के एक के तो क्या हो जाएगा, माइनस के सिक्स के। तो मोड ऑफ वेक्टर बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ वन, प्लस माइनस टू का स्क्वायर चार, माइनस छः का स्क्वायर छत्तीस, छत्तीस से चालीस और एक कितने हो गए, इकतालीस। अंडर रूट में अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर लगा दोगे, इकतालीस। इक्वेशन क्या जाएगा, सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब क्या चाहिए, सी ए चाहिए ना, तथा एंड लिख देना। ठीक है, वेक्टर सी ए कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना, सेकंड में से फर्स्ट को, तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, थ्री आई माइनस फोर जे माइनस के फोर के, थ्री आई माइनस के फोर जे माइनस के फोर के, माइनस करोगे वेक्टर सी को, वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है, ये वाली आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के, साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस के आई हो जाएगा, प्लस के थ्री जे हो जाएंगे और प्लस के फाइव के हो जाएंगे। क्लियर है, अब यहाँ से थ्री आई और थ्री, एक और आई कौन सी, ये है, ये आई है, जे बन गया है। ठीक है, थ्री आई माइनस एक आई टू आई बचा, माइनस फोर जे और थ्री जे माइनस का एक जे बचा, माइनस फोर के प्लस फाइव के प्लस का एक के बचा। कैप लगा लेना आप, ठीक है, मोड ऑफ निकाल दो यानी परिमाण निकाल दो इसका, अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकाल दो, माइनस दो का स्क्वायर चार प्लस माइनस एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, चार और एक पाँच और एक कितना हो गया छः, रूट छः, रूट उठाओगे तो क्या लगा दोगे स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड,
बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, किन दो का योगफल तीसरे के बराबर आ रहा है? 35 और 6 कितने होते हैं 41, इसके बराबर आ रहा है। लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 35, 6 और 41 किससे बन रहा है 41, यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इन तीनों में 41 के, इन दोनों का सम 41 बिल्कुल है। 35 प्लस 6 इक्वल टू 41 बन रहा है ना, 41 होता है। 35 किसकी वैल्यू थी 35, वेक्टर एवी का होल स्क्वायर, और 6 किसकी वैल्यू थी एसी का स्क्वायर इक्वल टू, 41 किसकी वैल्यू थी बीसी का स्क्वायर, मोड ऑफ बीसी का स्क्वायर। ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है। अतः पॉइंट ए बी सी एक समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं, लिख देना आप। अतः बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज बनाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ये लिख दोगे आप। क्लियर है, आपका क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है त्रिभुज एबीसी, आकृति दे रखी है एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है की बात हुई है, यानी कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कौन सा फॉल्स है, यानी इनकरेक्ट कौन सा है, वो इनकरेक्ट वैल्यू जानना चाहता है। ए इनकरेक्ट है कि बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखिए इनकी डायरेक्शन कहाँ पे है, ए बी की डायरेक्शन ए से बी की डायरेक्शन में है, और इस वाली साइड की बात कर लें तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे सी की साइड में, बी से सी की, इनकी डायरेक्शन कहाँ है, ये डायरेक्शन ये देखिए सिंबल लग रहा है, ये ए से सी की हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले उसने ये बना के दे रखा है, मैं बना दे रहा हूँ आपका ए बी सी इस तरीके से बना के दे दिया, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ऑन अप्लाइंग लिख देना त्रिभुज के योगफल के नियम के अनुसार, त्रिभुज के योगफल के नियम के अनुसार, नियमानुसार इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू, ये इन दोनों की साइड इधर जा रही है, इसके ऊपर जा रही है, बराबर की तीसरी भुजा, तीसरी भुजा भी किधर जा रही है, इसे लेके सी तक जा रही है, वेक्टर ए सी, ए से सी की डायरेक्शन में जा रही है। अब एक चीज देख लेना यहाँ पे, अब डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, ए सी है, यदि सी ए करना चाहते हो, डायरेक्शन आप उल्टी करना चाहते हो तो माइनस लेना पड़ेगा, तो इसीलिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू, यदि मैं इसे माइनस कर दूं तो क्या कर लिखना पड़ेगा, आप ए सी से आप सी ए जा रहे हो लेकिन उल्टी दिशा हो गई है, इसकी रिवर्स दिशा की डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर की साइड में माइनस की सी ए डायरेक्शन हो गया, माइनस की वैल्यू है उधर लेकर आओगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू जीरो वेक्टर, यहाँ पे क्या बचा जीरो बचा ना, वेक्टर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ऑप्शन ए में मिल रहा है वेक्टर ए बी प्लस बी सी और सी ए मिल रहा है ना, सो ए इज ट्रू, सो ऑप्शन ए इज ट्रू, तो उसे तो फॉल्स वैल्यू चाहिए, इनकरेक्ट वैल्यू चाहिए, बी को चेक कर ले रहे हैं, ये देखिए अब और बी को चेक करेंगे अगेन, क्या इस वाले में ये देखिए इसी से बी चेक कर लेते हैं, ए बी है वेक्टर, वेक्टर ए बी है, बी सी है, बी सी है, माइनस ए सी कर रहा है, और यहाँ पे कौन है ए माइनस ए सी, यहाँ पे कौन है सी है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो एक दूसरे की डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, सी सी तक चल रहा है, अब ए सी सी तक हो जाएगा ये, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, इसे क्या माइनस के सी ए कर सकते हैं, यदि ए को पहले लेना चाहोगे ना तो माइनस लेना पड़ेगा, तो ए सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो ये भी मिल रहा है, सी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी सी ए चल रहा था
तो एसी करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये भी ट्रू है, सो बी इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात कर ले रहे हैं इसी में अगेन, ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर बी सी है, बी सी है माइनस के सी ए, जबकि ऊपर क्या दे रखा था प्लस के सी ए, इसी से तो हम चल रहे थे पूरी वैल्यू, माइनस के क्या दे रखा सी ए, क्या माइनस आ सकता है कभी इसमें देखोगे तो, यदि सी ए लिखोगे ना तो माइनस नहीं आएगा प्लस हो जाएगा, यदि आप सी ए माइनस चल रहा है ना ए सी, यदि सी को आप पहले लिखना चाहोगे और ए को पीछे ले जाओगे तो सी ए लिखोगे तो माइनस कॉमन लोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे लिख देना व्हाट ऑप्शन सी, जो कि दे रखा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस, यहां पे गलती कर दी उसने, माइनस क्या दे दिया उसने सी ए दे दिया है, इक्वल टू जीरो इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट, उसे इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए था, ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, और डी चेक कर लो क्या करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन ए सी चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, जो करेक्ट है उसी चेक कर सकते हो, ए बी वेक्टर ए बी ठीक है, बी सी है, क्या हम सी भी लिख सकते हैं, सी भी लिखेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस सी भी बिल्कुल ठीक है, इसने इसे क्या लिख दिया माइनस लेके आगे पीछे कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी है सी टू बी डायरेक्शन, और सी चल रहा है इक्वल टू जीरो, ये करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रॉन्ग कौन सा है ऑप्शन सी, उसे रॉन्ग आंसर चाहिए था, कौन सा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज रॉन्ग इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो संरेख सदिश, संरेख का मतलब कोलिनियर वेक्टर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है कौन सा नहीं है, तो ये देखिए वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, कोलिनियर पे ये कंडीशन होती है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कोलिनियर की कंडीशन पे क्या होता है, कोलिनियर यानी संरेख की कंडीशन पर, संरेख होने पर, संरेख होने पर, तो बताया था वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, ये कंडीशन मिल रही है, ये ट्रू है, उसे तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो चाहिए, ये तो ट्रू है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कि यहाँ पे प्लस माइनस ओनली बी वेक्टर आ सकता है क्या, लैम्डा की जगह ये देखिए कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस तो हो सकता है, बढ़िया बात है, एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी हो सकता है, एक हुआ तो ये बराबर आ जाएगा, यदि लैम्डा की जगह वायदा दो हुआ कॉन्स्टेंट फिर क्या करोगे, तो नहीं आ पाएगा ना, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, अब सी के चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पे लैम्डा की जगह मान के चलो प्लस माइनस में वैल्यू तो आती ही आती है, बी के द्वारा बात करता हूँ मैं, तो यदि तीन वैल्यू आ गई तो प्लस माइनस वन अपॉइंट थ्री हो जाएगा ना, इधर वन अपॉइंट थ्री या वन अपॉइंट थ्री आ गई तो थ्री आ जाएगा, तो ये वाला असत्य है, ऑप्शन बी असत्य आ जाएगा, यानी कथन सत्य नहीं है, कौन सा एक तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं, इसको चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए लेट वेक्टर ए को मान ले रहा हूं मैं ए वन आई कैप प्लस बी ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और वेक्टर बी को मान ले रहा हूं मैं बी वन आई कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप, क्लियर है, देन तो संरेख होने पर कंडीशन क्या बनती है, मैंने अभी बताया था वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए, वेक्टर ए की वैल्यू डायरेक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, क्या आप खुद लगा लेना, लेमडा ये अपॉन मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, चलो इधर लिख दे रहे हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, क्लियर है, समानुपाती मतलब इधर डिवाइड करेगा, समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होने पर, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल की कंडीशन क्या होती है, प्रोपोर्शनल की प्रोपोर्शनली कंडीशन होती है, इस आई का कोफिशिएंट कौन है बी वन अपॉन, यहाँ पे आई वन का कौन है ए वन इक्वल टू जे का कौन है बी टू, यहाँ पे जे का कौन है ए टू, के का कौन है बी थ्री, के का कौन है ए थ्री इक्वल टू लैम्डा को यहीं छोड़ जाओगे, सभी का प्रोपोर्शनल कौन आ रहा है के आ रहा है ना,
तो ये तो प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे बोल रहा है समानुपाती नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, तो यानी ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और दोनों राशियां एक वेक्टर ए तथा वेक्टर की दिशा समान है क्या, परंतु परिमाण मैग्नीट्यूड भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है दिशा समान नहीं हो सकती, क्योंकि कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, इसका ए ए कंपोनेंट है, इसका बी बी कंपोनेंट है। तो यहाँ वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान नहीं है, बोल रहा दिशा समान है। दिशा समान होने का मतलब ये होता है कॉम्पोनेंट इक्वल आना, यहाँ ए वन है तो यहाँ पे ए वन होता है, लेकिन वेक्टर बी के लिए तो बी वी की कहानी, बी वी वन बी टू बी थ्री चलेगा, ए वेक्टर के लिए ए वन ए टू ए थ्री चलेगा, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। आपके तीन इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे, ऑप्शन बी सी और डी इनकरेक्ट हैं। क्लियर है।